साढ़ा आधा भी गुना है जी, असी जाति तौर पर नहीं आए हुए हैं, असी भी ट्रैप होए हुए, सानू हुकूमत जी है ना इन्हें जो वे वे हुक्मरान ने असी उन्होंने जंग लड़न आए हुए हैं। साढ़े वो तो दह दह किले भी किले एक एक मुरबा हो सी, और इन्हों की तो पां हज़ार किला जमीन है, तो 5000 किले तो कम अज़ कम चौकी नहीं तो 2000 तो मोटर लगनी है। नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो आपके किसान इताद के रहनुमा उनकी बात कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, ये साढ़े किसान इताद जो रहनुमा है ना उन्होंने भी इन्नी है। अच्छा। उन्होंने की 500 किले है। अच्छा। जरदारी की गल करो, जरदारी की किन्ने हज़ार किले है, नवाज शरीफ की, इमरान खान की, चौधरिया की, और जो राणा बशीर की तारक बशीर चीमा वो बगैरत इंसान, उन्होंने पता नहीं उन्हें कितनी बदतमीजी की है, उत्थे आ सी तो लित्र मारा उन्हें पता लगे था इन सारे की कितनी जमीन है, ये पता क्यों नहीं बोलते, ये भी इन्होंने महंगाई का पता है, ये ता नहीं बोलते, बिल ही नहीं देंगे, इन्होंने तो मीटर नहीं बंद ने, ये एक मोटर सही तरीके चला दिखाव ना, मिनिस्टर की कितनी तनखा लेंगे, 30 लाख ले लेंगे उस बेईमानी पाते तो वादे घाटे पैसे पाते 30 लाख ले लेंगे, तो 30 लाख च कोई 4 मोटर चल जा, 10 मोटर नहीं चलनिया, खाद कितों ला सकते कितों कर दे, ये चोरी करते ने, वो बिल सानू पैंदा है, ये इन्होंने SDO XN वो इन्होंने नाल शामिल ने, यह भी मैं तुम्हें लॉजिकल गल दसा तो यह भी एडा इशू कौन दो, इनकी भी इन्हों भी मसला है, खाद सानू 10000 की मिल जाए कोई रौला नहीं, मकसद है उनकी क्वान्टिटी तो पूरी हो, 46-58 दूसरा 18-46 का फार्मूला होंगे, 46% उनके होंगी फॉसफोरस, 18% नाइट्रोजन होंगी है, हूँ साढ़े को कोई पैमाना नहीं था, बस चेक कर सके फॉसफोरस वाकई इन्नी है कि नहीं है, लिखन के हमने पूरा पाकिस्तान बंद कर देना है। अब ये जमींदार ने ये फैसला कर लिया किसान ने कि अब हर हाल में हमने अपना हक लेना है, हम कसूर से है ना, पत्तों की से रेलवे ट्रैक बंद कर देंगे, पत्तों की से मोटर पर बंद कर देंगे, गुजराला से हमारा ग्रुप है, सियालकोट ग्रुप है, गुजराला ग्रुप है वो GT रोड बंद कर देगा, सिंध से हमारा ग्रुप है वो बंद कर देगा, बलूचिस्तान से हमारा ग्रुप भी बंद कर देगा, और खैबर पख्तूनख्वा में हमारा ग्रुप है, हमारा सदर खालिद हुसैन भाट चारों सूबों में हमारी पार्टी के ग्रुप हैं और हर सूबे में हमारा ग्रुप खड़ा है, और इंशाल्लाह हम इनको इनकी नाक में दम कर देंगे। तो इस्लामाबाद में रेड जोन जाएंगे परसों अगर? बिल्कुल हम जाएंगे, हम पीछे हटने वाले बंदे नहीं, ये हमें मारेंगे या हम इन्हें मारेंगे, और जो पुलिस है ना और फौज, हमें उन पर उम्मीद है और उम्मीद करते हैं, हमारा तकवा है, हमने उनसे कहा तुम हमारे बेटे हो, हमने पढ़ा लिखा कि तुम इधर भेजा है, आप हम पे गोली नहीं चला सकते न हम आपके ऊपर पत्थर चला सकते हैं, आप राणा सनाउल्लाह ने आपको तनखा नहीं, आप में तो कोई मर गया तो आपके बच्चे राणा सनाउल्लाह ने पालना, वो आपका हमारे हमने पालने, जो आपके वालिद जमींदार हैं वही पालेंगे, तो लिहाजा तुम्हारी हमारी लड़ाई नहीं, आप एक हुक्म ना माने, हमें उम्मीद है न पुलिस हुक्म मानेगी न फौज हुक्म मानेगी इनका, वो किसान का साथ देगी। शहबाज शरीफ साहब ने जो नजायज़ हुकूमत ने टैक्स लगाए हैं, FPA है, सेल टैक्स है, फ्यूल एडजस्टमेंट है, इससे तमाम किसान परेशान है, ये आप देख लें कि 2300 यूनिट पर 5.5 लाख रुपए तक बिल आ जाता है किसान ट्यूबवेल का, और जो घरेलू सार्फिन है वो इतने परेशान हैं कि अगर 100-150-200 यूनिट है तो उसका तकरीबन 8000-10000-15000 तक बिल आ जाता है, ठीक है जी। उसके बाद खाद देख लें, DAP यानी कि 15000 रुपये में सेल की जा रही है, और जो यूरिया है इसको माफिया ने यानी कि ब्लैक कर रखा है, ब्लैकिंग करके बेच रहा है, और वो भी 3500 को मिल रही है, तो देख लें बाकी तमाम चीज़ें, पेट्रोल देख लें, घी देख लें, ठीक है जी, चीनी देख लें कहाँ तक पहुँच गए, लिहाजा हमारी गवर्नमेंट से यही अब गुजारिश है कि महंगाई को ख़त्म किया जाए, हमारे जायज मुतालबात तस्लीम किए जाएँ, ठीक है जी, क्योंकि ये हमारा राइट है, अगर वो हमारा राइट और हमारे मुज़ाकरात तस्लीम नहीं करेंगे तो सोमवार वाले दिन वादा किया है शहबाज साहब ने कि नोटिफिकेशन भी हो जाएगा इंशाल्लाह, जो आपके मुतालबात हैं मुज़ाकरात तस्लीम कर लिए गए हैं, अगर उसके बावजूद भी हमारे साथ कोई होली खेली गई और चकमा दिया गया तो फिर इंशाल्लाह हम रेड जोन तक जाएंगे बैठे हैं। मुतालबे हैं बिजली का रेट जो है कम किया जाए, FPA 60-60 हज़ार रुपया ट्यूबवेल बंद पड़ी और फिर भी आ जाता है, उसको ख़त्म किया जाए, यूनिट जो है वो 15-16 रुपये पड़ता है, इससे तो ज़िम्मेदार काश्तकार नहीं सकता, फसल पानी गंद फसल को नहीं लगा सकता, इतने महंगे हो चुके हैं, अगर मिसाल के तौर पर 10 एकड़ को पानी लगाया जाए तो 1 लाख रुपये बिल आ जाए, कहाँ से हम पड़ेंगे, इस वजह से हमारे जो मुतालबे हैं खादें महंगी हैं, बहुत ज़्यादा महंगी हैं, उनको कम किया जाए, और डीजल जो है उनको कम किया जाए, और कुछ जो ख़ास कर जो
बिजली है, बिजली का बिल है, उसको FPA ख़त्म किया जाए, यूनिट का जो रेट है वो मुकर्रर किया जाए, यानी 8-9 रुपये तक हम बर्दाश्त कर सकते हैं, इससे आगे नहीं कर सकते।